तो यार आप सभी का स्वागत है ब्लैक क्लू गेमिंग में। और आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं मैसा बायोम में, क्योंकि इसके ऊपर एक कमेंट भी आई थी। तो पहले मैं कमेंट देखूंगा, उसके बाद हम जाएंगे अपने मैसा बायोम में। ओके, तो सबसे पहले मुझे बोर्ड देखने पड़ेंगे, और लगता नहीं है कि मेरे पास कोई बोर्ड अभी बचा होगा, क्योंकि यार कुछ है ही नहीं मेरे पास, लकड़ियाँ वगैरह कुछ है नहीं। ओके, तो इसमें एक कुल्हाड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुल्हाड़ी से पहले ले लेता हूँ। और जो बुक रखी हुई है ना, इनको मैं रख देता हूँ थोड़ा साइड में। ऑब्सीडियन है, ठीक है। और रॉकेट मैं साथ में रखूँगा, क्योंकि इस बार मैं जाने वाला हूँ रॉकेट को ही लेके। तो देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ मिल जाए इसमें से ले जाने लायक तो काम आ जाएगा। ठीक है, इसमें शायद लकड़ी नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी मैं वुड इकट्ठी कर लेता हूँ और मैं फिर बोर्ड बनाता हूँ। तो आपको एक चीज़ और बता दी, मैं एक चंक बेस की वेबसाइट में गया था, जो कि आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो चंक बेस सर्च करके देख लेना गूगल पे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो वहाँ पर मैंने अपना शीट डाला था, और वहाँ पे मैंने चेक किया था कि मेरे वर्ल्ड में आखिरकार है क्या क्या, मतलब कितनी कितनी दूर चीज़ें हैं। तो वैसे वो वाली जो वेबसाइट है वो काम करती है, जो हमारा PC का होता है जावा एडिशन, उसमें काम करती है, पर तुक्का कभी कभी लग जाता है, तो मिल जाता है कभी कभी। तो उसमें से मुझे मैसा बायोम का जो मिला है कोऑर्डिनेट, तो उसी की तरह मैं जाऊँगा, पर मैं पहले बोर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, बोर्ड आ गई। और सबसे पहले जो कमेंट आई है वो तिलक राज की तरफ से आई थी। तो इनकी कमेंट आई कि भाई मैसे भाई उनको कब ढूंढोगे। यार देखो, अभी ढूंढूंगा, और मैंने जब आपकी कमेंट पढ़ी तभी मेरे दिमाग में आई कि पहले मुझे वही ढूंढना चाहिए, तो उसी को ढूंढने के लिए आज मैं जाने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने आपकी कमेंट भी पिक करी है। तो अभी दूसरी कमेंट देख लेते हो जो आई है अश्वनी त्रिपाठी की तरफ से। पहले मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जो कमेंट आई है वो आई है कैन वी क्राफ्ट इलाइट्रा, दूसरी बार पूछ रहा हूँ। यार देखो, अगर हम क्राफ्ट कर पाते कि इलाइट्रा को, तो यार देखो अभी तक इतना टाइम लगता नहीं उसको ढूंढने में, जितना कि अभी इतने लास्ट में हमने ढूंढी है, मतलब कि एंड सिटी के अंदर हमने ढूंढी है, तो क्राफ्ट नहीं कर सकते यार। मतलब ये इतनी रेयर होती है कि इसको अगर आप रिपेयर करना चाहते हो, तो रिपेयर के लिए आपको फैंटम चाहिए, फैंटम नहीं फैंटम मेम्ब्रेन चाहिए, जो ऊपर उड़ते रहते हैं फैंटम, उनको मार के जो मेम्ब्रेन मिलते हैं उनसे आप कर पाओगे एनविल पे जाके रिपेयर। तो अभी मैं देख लेता हूँ मेरे पास अभी कितनी है। ठीक है, अभी चल जाएगी। ओके, तो मैं दो तीन सामान और ले लेता हूँ, जिसमें से मुझे एक बेड लेना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके मैं बेड लगा दूँ, और चेस्ट होंगे तो चेस्ट भी ले लूँगा। ठीक है, चेस्ट है, और ये जो एक्स्ट्रा सामान है ना, इनको मैं निकाल देता हूँ। एक मिनट, मुझे चेस्ट भी तो ले जाना है ना, एंडर चेस्ट, तो एंडर चेस्ट ले के जाऊँगा, और इसको तो मैं निकाल सकता हूँ जब भी मैं एंडर चेस्ट को रखूँगा। ठीक है, अभी और मुझे एक बेड चाहिए, बेड नहीं है मेरे पास यार, मुझे लग रहा है मुझे अब बेड बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, तो दो वूल है मेरे पास। ठीक है, तीसरा वूल हमारे पास आ गया है, और मैं फटाफट से बेड बना लेता हूँ। ओके, पहले लकड़ियाँ। ठीक है, बेड आ गया हमारे पास। तो बेड है हमारे पास रॉकेट उड़ने के लिए, और सामान हमारे पास सारा है। तलवार मैं वहीं पर निकाल लूँगा, क्योंकि अभी मैं खोना चाहता भी नहीं कुछ भी। ठीक है, अभी मेरे पास सामान हो गया, और अभी चलते हैं मैसे बायोम में। बस मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। ओके, तो ये वाली ले लेता हूँ। तो ठीक है, मैं अभी थर्ड पर्सन पे आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को इसी की आदत है, और मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा जिस तरफ मैं देख रहा हूँ। और बता दूँ कि मुझे 2000 के आसपास का कोऑर्डिनेट पे जाना है, और इसी के साथ यार मैं उड़ के जाऊँगा। इलाइट्रा है मेरे पास, थोड़ा इलाइट्रा का फ़ायदा उठाऊँगा। तो करने क्या है, एक बार जंप लेनी है, दूसरी बार लेनी है, और अपना रॉकेट एक चला देना है। तो कुछ इस तरीके से, बस इसी तरीके से जाना है मुझे, और बीच बीच में से मुझे थोड़ी थोड़ी लेनी है। तो भाई साहब मस्त है, अभी ऐसे ही चलते हैं, और जब टाइम आए। ठीक है, ओके, तो मैं आ गया हूँ। ठीक है, अभी मुझे उतरना पड़ेगा ठीक से, क्योंकि पिछली बार मैं बुरी तरह से उतरा था ना मुझे। ठीक है, मैं अभी तो आ गया हूँ, बस अभी मुझे उतरना है। ओके, तो यहीं पे लैंडिंग लेते हैं। ओके, तो अभी मैं आ गया हूँ, जो कि है मैसा बायोम में, और मैं इसको फर्स्ट पर्सन में कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं मैसा बायोम में हूँ, और भाई साहब देख के ना बिल्कुल मन सा खुश हो रहा है देख के, क्योंकि जो ये वाले बायोम होते हैं ना बिल्कुल अलग ही होते हैं, और यहाँ पर हमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है, जैसे कि हमें अलग अलग मिलेंगे, और साथ ही हमें लाल कलर की रेत मिलेगी। तो भाई साहब सबसे बढ़िया चीज़ तो ये कि हमें लाल कलर रेत मिलने वाली है, जो कुछ ऑरेंज कलर की जैसी दिख रही है, और वाइट कलर की तो हमें पहले मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर लाल कलर की मिलेगी। दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें टेराकोटा मिलेगा, ये वाला, जो कि अलग अलग कलर का मिलेगा, ब्राउन ब्राउन मिल जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, और वाइट मिल जाएगा, और भी कलर के मिल जाएंगे, सामने देख ही सकते हो और भी पहाड़ है। तो भाई साहब अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर मैं एक स्पॉन पॉइंट लगा देता हूँ। ओके, तो स्पॉन पॉइंट हो गया, मरूँगा तो मैं यहीं पर आ जाऊँगा।
और चेस्ट, मैं अपना चेस्ट नहीं अंडर चेस्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है अंडर चेस्ट आ गया। और अभी मैं निकाल सकता हूँ अपना सारा का सारा, मतलब जो भी है सामान, और एक चेस्ट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्योंकि मुझे सामान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने सारा सामान तो निकाल लिया, अपनी जो इलाइट्रा है तो आधी डैमेज हो गई है यहाँ तक आते आते। और मैंने यार सही बता रहा हूँ, मेरे जो रॉकेट है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिए थे, क्योंकि एक तो लैग कर रहा था, जैसे ही मैं घुमाता था स्क्रीन वो अपने आप ही क्लिक होके वो चल जाया करता था। ठीक है, अभी देख लेता हूँ मेरा, हाँ ये रहा मेरे पास सल्कर बॉक्स, तो इसमें है मेरा सामान और मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक चाहिए, यही चाहिए मुझे, मेंडिंग की ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, फॉर्चून है और एफिशिएंसी, और भी बढ़िया बात है, तो ये चाहिए। और एक रेत के लिए हमें चाहिए ये सिल टच है, मेंडिंग है, सिल टच मेंडिंग, एफिशिएंसी किसमें नहीं, किसी में नहीं है एफिशिएंसी, तो ये ले लेता हूँ। ठीक है, अभी दो चीज़ आ गई हमारे पास, इनसे हम दोनों खुदाई करने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप नीचे खुदाई करते हो, मतलब कि अगर आप किसी माइन में जाते हो और खुदाई करते हो, तो वहाँ पर आपको डायमंड है ऊपर ही मिलने के चांसेस होते हैं, और जो गोल्ड वगैरह होते हैं वो तो आपको ऊपर ही वैसे ही दिख जाएंगे बिना नीचे जाए, तो यहाँ पर ऊपर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो इतना आसान होता है भाई साहब। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर माइन शाफ्ट भी मिलते हैं, पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा माइन शाफ्ट को कि कहाँ पर है। एक काम करता हूँ मैं थोड़ी सी डर्ट लेके एक बना देता हूँ यहाँ पर, ओके जाए, और मुझे पता चल जाए कि मेरा घर कहाँ पर है, मतलब मेरा जो एक टेम्परेरी घर नहीं है, बस ऐसे ही है। ठीक है, तो बेड पे कूदता हूँ तो कुछ नहीं होता, हल्का सा डैमेज होता है, ज़्यादा होता भी नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा खाना, यार खाना तो बहुत सारा है मेरे पास, ओके तो इतना बहुत है। ठीक है, अभी चलते हैं, कुछ चीज़ें इकट्ठी करते हैं, और पहले मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मुझे माइन शाफ्ट मिल जाए। और भाई साहब देख रहे हो वाइट, हर तरह के यहाँ पर टेराकोटा मिल जाएंगे, तो यहाँ मुझे अगर माइन शाफ्ट दिखती है तो सही है, खजाना भी मिलेगा अंदर। यार लैग कितना कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं समझा मेरा लैग क्यों कर रहा था, कि जो मेरा चंक था ना वो मैंने 20 पे करा होता। ओ भाई साहब खजाना आते ही खजाना, तो मेरा 20 पे कर रखा था जिसकी वजह से दिक्कत कर रहा था। तो वैसे पहले तो खजाना ही ले लेते हैं, ओके तो ओके, तो एक मिला मुझे गोल्डन एप्पल, बहुत बढ़िया। और टॉर्चेस भी यहीं पे मिल गई, यार मैं टॉर्चेस लाना भूल गया, पर हेल्प कर दी इन्होंने, मतलब खजाने ने। इसको भी तोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पटरियाँ मिल जाएगी, जो कि यार मुझे अभी ज़रूरत तो है नहीं, और देख लेते हैं अगर इसमें कुछ मिल जाए माइन शाफ्ट में, क्योंकि ये माइन शाफ्ट है काफ़ी ख़ास माइन शाफ्ट है। और यहाँ पर अगर कुछ मुझे कोई एक केव में मिलती है ना, उसमें अगर मैं खोदूँगा तो मुझे जल्दी से वो भी मिल जाएगा। यार मुझे एक तलवार भी लानी चाहिए थी, क्योंकि ये टूटते नहीं है, तलवार से बहुत जल्दी टूटते हैं जो जाले हैं मकड़ी के। ओके तो यहाँ पर लग रहा है, ओके तो माइन शाफ्ट है, तो देख रहे हो यहाँ यहीं पर ही। तो ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पर अगर आप ढूंढते हो ना कुछ भी तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर माइन करता हूँ नीचे, तो डायमंड मुझे मिलने के 100% चांसेस है कि मुझे पहले ही मिल जाएंगे, मतलब 12 लेवल से पहले ही मिल जाएंगे। और 12 लेवल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमें जल्दी मिलेगी अगर मैं यहाँ पर माइन करता हूँ। तो अगर किसी को डायमंड वगैरह चाहिए तो ऐसी जगह से माइन करो तो आपका फ़ायदा होगा। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो भाई ये इकट्ठे कर लेता हूँ मैं, जो कि येलो कलर के हैं, तो येलो मिलते नहीं हैं भाई, जो भी वैसे कहीं तो मिलते नहीं है, बाकी तो सारे के सारे यहीं पर ही मिलते हैं मैसा बायोम में। और मैं इनको इकट्ठे कर लेता हूँ क्योंकि इनसे डेकोरेशन भी मस्त होगी। वैसे जो कंक्रीट होते हैं ना, कंक्रीट से भी बढ़िया होते हैं, लेकिन यार ये कुछ अलग ही चीज़ है, इनका थोड़ा सा टेक्सचर अलग है, तो इसलिए अच्छे लगते हैं ये भी। अभी मैं इकट्ठे कर लेता हूँ भाई, जितने होंगे ना उतने इकट्ठे कर लूँगा, क्योंकि ये हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, देख लेता हूँ कितने आ गए हैं, ओके तो काफ़ी स्टैक आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गए हैं, और रेत भी मैं इकट्ठे कर लूँगा पर अभी नहीं। और यहाँ पर भी है, ठीक है इसमें जाके देखते हैं, या मुझे कोई खजाना मिल जाए तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा, जैसे अभी मिला था। ओके तो नीचे जाने का भी रास्ता है, ठीक है चलते हैं, लगता नहीं है, हाँ मुझे लग ही रहा था कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारे पास एक कलर हो गया है, दूसरा कलर अभी इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, जो कि मैं ये वाला करूँगा। ओके तो ये कर लेता हूँ पहले मैं,
तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो यहाँ पर माइनशाफ्ट होते हैं ना, थोड़ी ऊपर रहती है, मतलब जैसे नीचे रहती थी ना वैसे नहीं रहती, अंदर की तरफ, ये ऊपर ही आपको मिल जाएगी। जैसे ये, ओ भाई साहब खजाना, एक मिनट इसमें देख लो। ओके फिर से एक मिनट। ओके गोल्डन एप्पल है, सही है, लेकिन मेरा तो जो मेन खजाना ना वो ये है, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे तलवार लानी चाहिए थी। तो मेरा घर देख लेता हूँ, मेरा घर ओके, तो वो रहा टावर। चलते अपने घर पे, एक बार सो के आता हूँ मैं, एक तलवार साथ में लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर मॉब्स आएंगे, कि मैं मॉब से मरूँ। ओके तो डार्क ब्राउन भी है, ठीक है डार्क ब्राउन भी लूँगा अभी मैं, एक बार मैं सो लेता हूँ और थोड़ा। ओ भाई साहब मेरे बेड के पास ही खड़ा हुआ है, क्या करूँ भाई अब। एक काम करता हूँ, चेस्ट रखता हूँ, सामान रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है अभी मैं सो के देखता हूँ। ओके तो सो गया, ठीक है ठीक है, ये बढ़िया। तो एक मैं और निकाल लेता हूँ यहाँ से, जो कि है एक शल्कर बॉक्स। हाँ ये पिंक वाला खाली है ना, ये डेकोरेशन के लिए काम आ सकता है, तो इसमें मैं रखूँगा सारा का सारा सामान। ये मेरे को मार के छोड़ेगा, और कुछ नहीं। तलवार निकाल लेता हूँ, आ जा बेटा। ठीक है तलवार हमारे पास आ गई है, कोई ढंग की तलवार देख लेता हूँ। ओके फायर एस्पेक्ट, नॉकबैक, सिल टच, लूटिंग, लूटिंग शार्पनेस, ये सही है मेरी वाली तलवार, ये लेके यूज़ करूँगा। और भाई मुझे खाना चाहिए अभी, ठीक है अभी हमारे पास आ गए। अब चलते हैं हमारी दूसरी चीज़ें लेने, जो कि दूसरा कलर है। तो ये कलर हमने इकट्ठा कर लिया, थोड़ा वाइट इकट्ठा कर लेता हूँ। ओके तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, और अभी देखते हैं और कलर मिल जाए। एक मुझे यहाँ पर डार्क भी मिला था, हाँ वो रहा सामने, वो लेता हूँ डार्क। ओके तो यहाँ पर मुझे रेड भी मिल गया है, सही है। ओके तो अभी हमारे पास क्वांटिटी तो सही होगी, तो थोड़ी सी रेत और ले लेता हूँ मैं। तो रेत का भी मैं एक स्टैक ले लूँगा, और इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूँ अपने अंडर चेस्ट से। और इसके बाद देखो यार, मैं यहाँ पर एक पोर्टल बनाऊँगा ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। फिर मैं यहाँ से जितने चाहूँ उतने ले सकता हूँ, यहाँ से जो चाहिए मुझे ले सकता हूँ, और पूरा का पूरा एक्सप्लोर भी करूँगा। वैसे तो अभी करूँगा, देखूँगा आसपास क्या है, सारा सामान रखे उसके बाद एक्सप्लोर करूँगा। यार दूर दूर तक देख रहे हो ना, पूरा का पूरा यही है, और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, छोटा नहीं है बड़ा है, तो इसको एक्सप्लोर तो करना बनता है। ठीक है अभी क्या करता हूँ मैं, अपना जो चेस्ट है ना, चेस्ट नहीं ये है, इसमें रख देता हूँ मैं। तो देख रहे हो भाई कितना मस्त कलरफुल हो गया, सब कुछ भर गया अच्छे तरीके से। ठीक है इसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है अभी हमारे पास हो गया, अभी चलते हैं हम, खाना वाना है हमारे पास, चलते एक्सप्लोर करते, थोड़ा खजाना मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओके चलते अभी। ओके तो देख ही सकते हो दूर दूर तक पूरे में यही भरा पड़ा है, मतलब रेत है रेड कलर का, और पूरा का पूरा टेराकोटा से बना हुआ है। तो ये है मैसा बायोम, और यहाँ पर एक और माइनशाफ्ट। तो ये खजाना और मिला है, तो इसमें से निकाल लेता हूँ मैं। ओ भाई साहब डायमंड, बहुत बढ़िया। तो माइनशाफ्ट से ये चीज़ें भरी पड़ी है, इसलिए यहाँ पर खजाना तो आपको मिलना है ही वैसे भी। तो अभी मैंने तलवार निकाल ली है, क्योंकि धीरे धीरे रात हो रही है, और भाई साहब अब मैं मर भी सकता हूँ शायद से, मरना चाहता नहीं हूँ। ये क्या है, ओके एक माइनशाफ्ट और, ये यहीं पर ही ख़त्म हो गई। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कि अगर आप भी ढूंढना चाहते हो मैसा बायोम, तो एक बार आप किसी वेबसाइट या किसी मैप एक्सप्लोरिंग एप्लीकेशन से चेक कर सकते हो कि आपकी मैसा बायोम कहाँ पर है, उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हो। क्योंकि अगर आप ऐसे ढूंढोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो फिर आप जैसे चाहो वैसे जा सकते हो। ओके अरे भाई यार ये क्या है, हद होती है भाई यार, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भाई, मैं तो मर गया। एक तो मेरी तलवार इतनी बेकार, ओके तो बच गया। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले गेमिंग एपिसोड में।